हमने लैब के इनोवेशंस के लिए 50-50 लाख की मशीनें लाई हैं और जिसका एक्सपर्टीज हमारे पास है। हमारे जाने के बाद वो मशीनें वेस्ट हो जाएंगी, उसको कोई ऑपरेट नहीं कर पाएगा। नीति आयोग ने भी सराहा है कि ये फैकल्टीज जितना हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रयास किए हैं। हम इसके बाद रखे कैसे जाएंगे उसका सलूशन अभी हमें नहीं मिला है। ये IITian NITians जिन्हें केबिन में बैठ के रिसर्च करना था, दुर्भाग्य की बात है कि आज यहाँ जंतर मंतर पे आके सरकार से प्रार्थना करना पड़ रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में, आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर हम मौजूद हैं, जहाँ पर कहते हैं कि अगर किसी चीज को लेकर मांग करनी है, प्रदर्शन किसी चीज का करना है, तो जंतर मंतर से ही आवाज जो है वो उठाई जा सकती है। आज इसीलिए हम जंतर मंतर पर मौजूद है और देखिए यहाँ पे भारी संख्या में लोग जो है वो मौजूद है, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, सबसे पहले इन्हीं से जानेंगे इनका प्रदर्शन किस चीज के लिए, क्या इनकी मांगे हैं। आपका नाम? मेरा नाम आनंद चतुर्वेदी है। और कहाँ से आए हैं? मैं वर्तमान में KNIT सुल्तानपुर में सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। क्या आपकी मांगे हैं, कब से आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पे काफ़ी दिनों से हैं, 10 मार्च से हैं। बीच में हमें कुछ आश्वासन मिला गया था तो उसके अकॉर्डिंग हम चले गए थे, बट फिर मुझे रिटर्न में लेटर नहीं मिला तो 3 दिन पहले हम यहाँ से आए और यहाँ पे हम शिक्षा मंत्रालय और सभी कंसर्न पॉलिसी मेकर्स से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। और मेरी मांग है कि हम लोग टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम टेक्यूब 3 के तहत 2017 में हम लोगों की सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू लो इनकम स्टेट्स के लगभग 153 कॉलेजों में मेरी नियुक्ति हुई थी और जिसका मेन उद्देश्य था कि कॉलेजों की शिक्षा, तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना और कॉलेजों को NBA एक्रीडिटेशन, जो कि तकनीकी शिक्षा सुधार का एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर्स है, उनका एक्रीडिटेशन कराना। लेकिन स्टेट्स और सेंटर के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ था जिसमें कहा गया था कि ये सारे IITs NITs से आए हुए लोगों को पोस्ट प्रोजेक्ट हम इनको रिटेन करेंगे या एब्जॉर्ब करेंगे, उसके लिए एक सस्टेनेबल प्लान बनाएंगे। बट हमारा प्रोजेक्ट ये 31 मार्च को ख़त्म होने वाला है और अभी हम सारे IITs NITs से ग्रेजुएट हैं। मेरी पढ़ाई खुद IIT खड़गपुर से हुई है और हमारे जैसे यहाँ पे 1554 लोग हैं और ये IITs NITs जो कि शिक्षा का एक बेंचमार्क माना जाता है, जो कि एम्प्लॉयबिलिटी का एक बेंचमार्क माना जाता है, हमारे पढ़ाए हुए लड़के आज उन्हें एक नियमित जॉब मिल गई है, लेकिन हम अभी जो है बेरोजगार होने को हैं और बच्चे, लाखों बच्चे इससे प्रभावित होंगे। इस प्रोजेक्ट्स के दौरान हमने लैब में इनोवेशंस किया, हमने मोर देन 50 करोड़ का AICT का प्रोजेक्ट्स लाया, हमने इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंट्रैक्शन सेल की स्थापना करी, हमने स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया। अभी जो मंत्रालय का एक बहुत ही बड़ा चीज़ है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे एम्फेसाइज कर रहे हैं, जिसका एक मेन मकसद है कि हम आउटपुट बेस्ड एजुकेशन से आउटकम बेस्ड एजुकेशन की तरफ हम मोल्ड हों और हमने आउटपुट बेस्ड एजुकेशन को आउटकम बेस्ड एजुकेशन, डिजिटल क्लास लर्निंग्स, पेडागोजिकल कोर्स, ये सब सारे चीज़ों की ट्रेनिंग्स ली हुई है। हमारे ऊपर करीब करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं लेकिन 31 मार्च के बाद ये सारी चीज़ें वेस्ट हो जाएंगी। हमने कॉलेजों में ये टेक्यूब 3 प्रोजेक्ट 3600 करोड़ का प्रोजेक्ट था, जिसमें से 400-500 करोड़ जो है सिर्फ सैलरी का था, रेस्ट ऑफ करोड़ जो था वो प्रोक्योरमेंट का था। हमने लैब के इनोवेशंस के लिए 50-50 लाख की मशीनें लाई हैं और जिसका एक्सपर्टीज हमारे पास है। हमारे जाने के बाद वो मशीनें वेस्ट हो जाएंगी, उसको कोई ऑपरेट नहीं कर पाएगा। हम कॉलेजों में जो भी अप्लाइड ब्रांचेज हैं उसमें हम कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं और कहीं ना कहीं कॉलेजों को सेल्फ सफिशिएंट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे द्वारा दिया हुआ अनप्रेसिडेंटेड योगदान मिनिस्ट्रीज ने भी माना है। अभी 18 फरवरी को एक स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग थी जिसमें कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स और उनकी पूरी टीम ने इस बात को सराहा है और नीति आयोग ने भी सराहा है कि ये फैकल्टीज़ जितना हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रयास किए हैं। ओवरऑल ये है कि हर कोई कहता है आप एक अच्छे इंसान हो, आप बहुत वेल परफॉर्मिंग फैकल्टी हो, आपके द्वारा दिए हुए सेवाओं से हमने शिक्षा के सारे इंडिकेटर्स जो प्राप्त करने से प्राप्त किए हैं, बट हम इसके बाद रखे कैसे जाएंगे उसका सलूशन अभी हमें नहीं मिला है और इसी के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। और सरकार से मेरी प्रार्थना है कि ये IITian NITians जिन्हें केबिन में बैठ के रिसर्च करना था,
जिन्हें सिखाया जाता है डेडिकेटेड टू द सर्विस ऑफ नेशन, हम लोग प्रोजेक्ट्स और इन सब से इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस देते हैं, ऐसे लोगों को ये दुर्भाग्य की बात है कि आज यहाँ जंतर मंतर पे आके सरकार से प्रार्थना करना पड़ रहा है। और सरकार हमको, हम शिक्षा मंत्री माननीय केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल सर से एक निवेदन करते हैं कि हमें वो 5 मिनट का समय दें और हमारी बातों को सुनें, जिससे कि हम अपनी बातों को उनके समक्ष रख सकें और उन्हें प्रार्थना कर सकें कि हमारे सुरक्षित भविष्य के लिए एक कंक्रीट सस्टेनेबिलिटी प्लान बनाया जाए।